लोकसभा इलेक्शन के नतीजों से पहले एग्जिट पोल जारी हो गए हैं। इस एग्जिट पोल में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलने का अनुमान है, लेकिन इंडिया गठबंधन को झटका लग सकता है। इस बीच एग्जिट पोल को लेकर अब विपक्ष नेताओं ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने एग्जिट पोल में बीजेपी की बढ़त की थ्योरी को लेकर दावा किया है। अरविंद केजरीवाल ने दावा करते हुए कहा कि फर्जी एग्जिट पोल के पीछे कुछ थ्योरी चल रही है, इनके दोस्तों ने शेयर बाजार में पैसा लगाया है और एग्जिट पोल के बाद मार्केट खुलते ही मार्केट ऊपर चढ़े तो मोटा पैसा कमा कर निकल सके, अफसरों पर दबाव बनाकर हेर फेर कर सके। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आरएसएस में इन दिनों मोदी शाह के खिलाफ होने वाली बगावत को रोक लिया जाए, इसलिए मैं सभी पार्टियों के काउंटिंग एजेंट को कहना चाहता हूं कि हम जीत रहे हैं, बस आप आखिर तक डटे रहे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया है। इससे पहले केजरीवाल को 10 मई को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी। जेल में सरेंडर करने से पहले अरविंद केजरीवाल ने अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया। इसके बाद वह अपनी पत्नी और पार्टी नेताओं के साथ राजघाट भी गए थे।